मैंने सुना है कि इनका फैन बेस बहुत ज्यादा तगड़ा है। मेरे को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा हिंदी में जो कोरिया के लोगों को समझ में नहीं आएगी। इस दुनिया में किसी के पास शकल है तो किसी के पास अकल, और एक ये बिना डंक का केकड़ा है जिसकी दोनों तरफ से उजड़ी हुई है फसल। शकल का आई एम नॉट श्योर क्योंकि दिखा नहीं रहा, BTS को रोज किया अकल भी नहीं है। हाँ, मेरे लाल चुकंदर से निकले हुए 2 दिन पुराने काले जूस, इसलिए कहते हैं पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए फिर ऐसे गंदे काम करने चाहिए, क्योंकि फैंस तो इंडिया में भी हैं। स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। अरे थाम्बा, टाइटल ठीक से पढ़ा ना। हाँ, BTS का रोस्ट नहीं है, उनको जिनने रोस्ट किया है उनका रोस्ट है, एक ऑन डिमांड वीडियो। हाँ जी, जैसे कि ककड़ी कटती है चाकू से, औकात बढ़ती है बापू से, और आशिक खाने का पूछते हैं अपने बाबू से। चलो आज BTS को रोस्ट करने वालों का IQ लेवल नापूं मैं। और मेरे को ये बताओ, ये लोग किस एंगल से लड़के रखते हैं यार, मतलब पूरा मुंह तो सफाचट हुआ पड़ा हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया, ये वही लोग हैं जो पॉइंट के ऊपर मुंह के उसके ऊपर बॉटल से पानी फेंक लेते हैं और फिर सोचते हैं क्या किसी को पता चलेगा। ना नक्को, बिल्कुल नहीं। दुनिया मार्स पर जीवन खोज रही है और ये शून्य बुद्धि जीव लोगों के चेहरे पर बाल ढूंढ रहा है। साले कुत्तों की जिंदगी। नहीं मतलब जब इसके घर पे मेहमान आते होंगे तो उनको बोलता होगा, अरे थाम्बा अंकल, आपके तो चेहरे पे बाल नहीं है, कहीं आप आंटी तो नहीं है? हाँ मेरे लाल, वो आंटी ही है, अगली बार आए तो साड़ी पहना के वापस उसके घर भेजना। क्या बे, कोरियन में गाली देता है साले। दीपक भाई सुबह सुबह। हाँ मुझे लगा ही था दीपक कलाल इसका भाई और ये राखी सावंत की बहन है। नहीं मतलब जो 2 लाइनें इसने BTS के सॉन्ग की बजाई है ना, वो इंग्लिश है और सबको समझ आ रही है। आई डू माई थिंग एंड आई लव माई सेल्फ। हमारे को तुझे इंग्लिश ही जान पड़ा थे भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। मैं भी BTS का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, उनकी हर एक म्यूजिक वीडियो देखता हूँ। बहुत ही अच्छा बनाते हैं, ओरिजिनल बनाते हैं जो भी बनाते हैं। हाँ शाणपत्ति, BTS आर्मी वीडियो डिसलाइक ना करते तो शाणपत्ति करता है आरामी मानुस। BTS आर्मी ने पहले ही डिसलाइक कर दिया उसका वीडियो। हमारा लाइक भी कर देना। ये है चिकने चिकने चॉकलेटी बॉय। ये लोग इतने चिकने हैं कि लड़कियों के वैक्सिंग कराने के बाद भी इनसे ज्यादा बाल होते हैं। सर को छोड़ के पूरा मैदान खाली पड़ा है। अबे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये बड़बुद्धि लोग अभी तक बालों पे अटके हुए। नहीं मतलब इसकी शक्ल पे बाल नहीं है, इसकी शक्ल पे बाल है, इसकी ज्यादा दाढ़ी है, इसकी कम दाढ़ी है। नहीं मतलब तुम खाने में भी बाल ही खा रहे हो क्या? ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और किसी को अगर उसकी शक्ल को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी शक्ल तो दिखाओ, हम भी तो देखें गुलाब जामुन सा चेहरा कितना सुनहरा है। वो तो गंदी होगी ना, वैसे अच्छी तो तेरी भी नहीं है। एंड में 7 लोग हैं, इनी मीनी माइनी मो, माइनी मीनी इनी, सब एक जैसे दिखते, समझ ही नहीं आ रहा है कौन कौन है, इनको डिफरेंशिएट कर सके इसलिए इन्होंने अपने बालों में रंग लगा के रखा हुआ है। ऊपर वाले ने आंखें देखने को और दिमाग समझने को दिया था, पर ये कंजड़ बस्ती का बंजर जीव इतना ज्यादा जल्दी में था कि ये आंखें भी गलत जगह मतलब पीछे लगवा के आ गया। सही से कैसे दिखेगा, डिफरेंशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। अरे थाम्बा, जिसको ये गे बोल रहा है वी, जो कि BTS का मेंबर है, वो 2020 का वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन है। जाके सर्च कर लो रे, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो, रोस्ट करेंगे। अब तुम्हें रणवीर सिंह के कपड़ों को जज करने का कोई हक नहीं बचा, वहाँ इनको अतरंगी बतरंगी कपड़ों में देखकर वाह वाह, और यहाँ पर दीपिका की चॉइस पे सवाल। गेम प्ले के पीछे छुपे हुए सतरंगी दिमाग वाले नारंगी जीव कोई बड़बुद्धि ही होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़बुद्धि ही होगा जो म्यूजिक वीडियो के कपड़ों को रियल लाइफ के कपड़ों से कंपेयर कर ले। अरे नहीं मतलब थाम्बा, तेरे हिसाब से तो आशुतोष राणा तो असलियत में साड़ी पहन के घूमता होगा। नहीं घूमता वो, ना नक्को, बिल्कुल नहीं। इफ दिस इज हाउ यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब रोस्ट वीडियो, क्या रोस्टर बनेगा रे तू? नहीं मतलब यहाँ यूट्यूब पे लोग तेरे नाक के वो गंदे घिनौने 2 छेद देखने आते हैं, छी। नमस्ते भाइयों बहनों, जय माता दी, दर्शक बंधुरा। अरे तो ओडिया बोल रहा है, उड़ीसा से मैं, हमारे थोड़े ज्यादा मित्र और मित्राणी है तो हमारा थोड़ा गाढ़ा लगाव है वहां से, पर तू बोल भाई आगे, तू आगे बोल। ये ऐसे प्राणी हैं, इन्हें देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कौन सी गाली देनी है, समझ नहीं पाएंगे कि माँ की गाली दे कि बहन की गाली दे।
तुमसे ना हो पाएगा। मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। नहीं मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक तो है ही नहीं बिल्कुल। बैकग्राउंड म्यूजिक नाम की चीज़ इसकी ज़िंदगी में आई नहीं है। ऊपर मेड विद काई मास्टर लिखा है। नहीं मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी वो हटा देते हैं लोगों। इतने समझदार तो बच्चे भी होते हैं। और बातें कैसी कर रहा है कि माँ की गाली दो बहन की गाली। नहीं तुम्हारी ज़िंदगी साला यहीं अटक जाएगी। लोगों को माँ और बहनों की गाली दो बस तुम। यहीं पर तुम्हारा आई क्यू लेवल समझ आ रहा है। तुम्हें रोस्ट करने के लिए माँ और बहनों की गालियों की ज़रूरत पड़ती है घटिया लोग। नहीं मैं तुझे क्या रोस्ट करूँ यार, तू खुद खुद को रोस्ट कर दे रहा है मेरे उबले हुए आलू। पर इनको चाहने वाले बहुत है, लाखों की तादाद में है, वही एक समस्या है। करोड़ों मेरे लाल। ये क्या देख लिया? सैनिटाइजर कहाँ है? हे राम मैंने ये क्या देख लिया। नहीं मतलब सैनिटाइजर यूज करने से पहले नाक में उंगली कौन करता है मेरे फूले हुए पोकेमोन। छी तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। तू एक काम कर सैनिटाइजर से नहा ले। नहीं मतलब नहा ले उससे। और जैसी तेरी पचपच की आवाजें आ रही ना मुझे नहीं लगता वो सैनिटाइजर है। ये सांडे का तेल पक्के में। सही बात है सांडे का तेल रगड़ाना ना तू है ना। बैंग टैंग बॉयज बॉयज। अच्छा नहीं नहीं यही तो बॉयज है। इसकी वीडियो 17 मिनट की थी सही बता रहा हूँ। मुझसे झेली नहीं गई। 2-3 मिनट देखे मैं भरा गया। मतलब इतना घटिया कंटेंट किसी का कैसे हो सकता है। और उसके बाद ये दाढ़ी मूछी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी खुद नहीं है। जैसे चार लोग बोल कर रहे थे ना शक्ल पे बाल नहीं है गेह नहीं, ये नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी खुद नहीं है। वो तो तेरी भी नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं लोगों को रोस्ट करता हूँ तू मुझे रोस्ट कर ले। नहीं नहीं यही तो बॉयज है। हम लोग क्या है, हम लोग तो दीपक कलाल और आमिर सिद्दीकी के क्रॉस ब्रीड है। नहीं नहीं अभी जामा खोलूंगा तो अंदर ब्रा निकलेगा। हाँ हाँ भाई एक काम कर तू ही कर ले मैं जा रहा हूँ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक देखिए तो फ्लिक्स वीडियो को लाइक कर देना और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट कर देना। और अगर आपके दोस्तों में कोई भी BTS आदमी है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उसको अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया। और बेल आइकन दबा देना प्लिक्स। सब्सक्राइब कर लो मित्रों प्लिक्स। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा फनी फनी कुछ कुछ डालता रहता हूँ, तो जाके चेक एक बार जरूर कर लेना। मजा ना आए तो बोलना। एंड तुमने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया ना, हर वीडियो देख तो मेरी सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलत बात है। सब्सक्राइब करो वो लाल वाली बटन, हाँ वहीं से होता है बच्चों जैसे बताना पड़ता है करो। हाँ धन्यवाद। I'm not a trophy.